थोड़ा सा आई मेकअप आप लोगों को करना सिखाऊंगा और बहुत ही इजी है ये मेकअप करना। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है और मेरे तमाम जितने भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं तमाम लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कभी भी आप मेकअप करें तो अपने मेकअप में इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका मेकअप बहुत ही नीट और क्लीन होना चाहिए, कहीं पर भी मैस नहीं होना चाहिए। आपका लाइनर हो तो वो भी नीट होना चाहिए, आपके आई शेड्स हैं तो बिल्कुल ब्लेंडेड होने चाहिए और कहीं से भी जो है आई शेड के पार्टिकल्स जो है वो फॉल आउट होकर लैशेस पर ना गिरे हों, एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक हो। तो आज का मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काशीज का आई शेडो प्राइमर नंबर 02 लगा रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इस प्राइमर की खास बात ये है कि ये किसी भी किस्म की डार्कनेस, अगर कोई डिस्कलरेशन है या वीन्स नज़र आ रही होती तो वो उससे बहुत अच्छे तरीके से हाइड हो जाती है, कवर हो जाती है और एक बहुत ही क्लीन कैनवस मिल जाता है आप लोगों को मेकअप करने के लिए। इसके बाद मैं काशीज का परफेक्ट आईब्रोज मेकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि मोस्टली मैं अपने तमाम मेकअप में इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों को पता है बहुत ही इजी इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। आपने कोई भी एंगल ब्रश लेना है और इसको बहुत ही आराम से आपने आर्च के पास लिफ्ट करके आपने इसको हल्के हाथ से आपने इसको लगाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एक नेचुरल सी लुक आ जाती है इस परफेक्ट आईब्रो मेकर को लगाने से। इसके बाद काशी इसकी ग्लिस एंड ग्लैमर आई शेड और नाम है इसका, शेड का नाम है आइसक्रीम, वो मैं लगा रहा हूँ। इसका रेजर शार्प ब्रश है, इसके साथ में इसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक नीच क्लीन लुक है। अगर आपकी आईब्रोज की शेप भी अगर कुछ ख़राब हो जाती है तो वो आप इस ब्रश से और इस शेप के साथ आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नीट कर सकते हैं। और उसके बाद फिंगर से ज़रा सा मैंने इसको जो है इसके हार्श एजेस थे उसको स्मूथ कर दिया। इसके बाद मैं काशीज के मिरर मैजेस्टी पैलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा मेटालिक ग्रीन कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको ओवरऑल पूरे आईबॉल एरिया पे मैं लगा रहा हूँ इसको और हल्का सा मैंने ब्रश को वेट किया है और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसके बाद इनर कॉर्नर के लिए मैं काशीज का आई ग्लोइंग शिमर और उसका नंबर है 03 वो लगा रहा हूँ। और इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है, आपने अक्सर मेरे मेकअप में देखा होगा कि मैं ये कलर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। इसके बाद काशीज का मिरर मैजेस्टी आई शेडो पैलेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका खूबसूरत सा कैमल ब्राउन कलर है, एज अ ट्रांजिशन में ले रहा हूँ इसको और ये बहुत ही बेस्ट कलर है इस पैलेट का एज अ ट्रांजिशन ब्लेंडिंग करने के लिए। और इसके बाद ये अगेन मैं खूबसूरत सा ब्राउन कलर आउटर कॉर्नर के लिए ले रहा हूँ और इसको आउटर कॉर्नर पर मैं लगाऊंगा और इसको लगाकर अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दूंगा।
उसके बाद अगेन मैं काशी मिरर मैजेस्टी पैलेट का खूबसूरत सा ब्लैक इंटेंसिव ब्लैक कलर है, ये मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि आउटर कॉर्नर को मुझे इसकी डेप्थ देनी है ज़्यादा, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा मेकअप जो है पीकॉक इंस्पायर्ड मेकअप है, तो इसलिए वो तमाम कलर्स ही मैंने सेलेक्ट किए हैं जो इस मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इसके लिए ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ओवरऑल सारे जो कलर्स लगाने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको ओवरऑल पूरा ब्लेंड कर दिया, और आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग के बाद जो है ये मेकअप वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको मज़ीद जो है ओवरऑल मेकअप को मुझे ग्लैमरस दिखाना है। ग्लैमरस दिखाने के लिए जो इसका मेन पार्ट है वो इसका आईलिड है, और इसके लिए सबसे पहले आई शेडो बेस मैंने लिया है, और कभी भी कोई भी शिमर या ग्लिटर अगर मुझे फिक्स करना होता है तो मेरे मेकअप का सबसे मेन पार्ट है इस आई शेडो बेस का। इसके बाद काशी इसका गैलेक्सी गार्डन का ही खूबसूरत सा कलर जिसका नाम है लव लेटर, ये मैं लगाऊंगा आईबॉल एरिया पर, और ओवरऑल पूरे आईबॉल एरिया पर नहीं लगाऊंगा मैं, लैश लाइन वाला एरिया थोड़ा सा छोड़ दूंगा। और कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा ये कलर है, और जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये उससे कई गुना जो है सामने दिखने में ज़्यादा कलर खूबसूरत है। इसको लगाने के बाद अगेन काशीज का गैलेक्सी गार्डन का ही खूबसूरत कलर जनरेशन ये मैं लगाऊंगा, और बड़ा खूबसूरत से ये भी एक मल्टी क्रोम सा कलर है। मल्टी क्रोम कलर्स की ऑब्वियसली बहुत बड़ी रेंज है मेरे पास, और आप ये देख सकते हैं कि लैश लाइन के एरिया के पास मैं इसको ओवरऑल लगा रहा हूँ, और ये लगाते के साथ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कलर जो मैंने लगाया था उसके बाद ये कलर लगाया था आउटर कॉर्नर डार्क है, ब्राउन है, सिल्वर, तमाम कलर्स बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और ओवरऑल आँख जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लेकिन इतने सारे कलर्स लगने के बावजूद एक फिनेस एक नीट लुक ऑलरेडी मौजूद है इसमें। इसके बाद काशी का जेट ब्लैक लिक्विड लाइनर लगा रहा हूँ मैं, और अपने राइट अबव द लैश लाइन एक पहले सिंपल सी लाइन अपने क्रिएट करनी है, जो लैश बैंड है उसके इन बिटवीन की कोई स्पेस नजर नहीं है, और उसके बाद जो है आउटर कॉर्नर पे मैं इसके लाइनर को बिल्कुल स्मच कर दिया है मैंने लगाकर, और इसके बाद जो है काशीज का जायंट ब्रश मस्कारा वो मैं लगा रहा हूँ फेक आईलैशेस लगाने से पहले, बस आपको लगाने के लिए सिर्फ एक कोट काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है आप इसके बहुत ज़्यादा थिक कोट करें, क्योंकि जो लैशेज लगा रहा हूँ वो थोड़ी सी हैवी सी है, और लैशेज आप देख सकते हैं काशीज आई लैशेज स्टाइल नेम जो है लैशेज का रोज़ा है, और बहुत ही लिफ्टेड सी आई लैशेज हैं, जैसे मोस्टली कुछ लैशेज ऐसी होती हैं फेक जो जिनकी वजह से आईज बहुत ज़्यादा ड्रूपी डाउन लग रही होती हैं, और ये मेरी अपनी हैंडमेड कस्टमाइज आई लैशेज बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड है, तो आँखें जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी स्टैंड आउट हो जाती हैं। इसके बाद काशीज का बिग एंड ब्राइट आईज नंबर 0 की वाइट जेल लाइनर जो कि मेरा
किया होता है और देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है, बहुत ईजीली लग जाता है। बॉर्डर लाइन आप देख सकते हैं, तो ये ऑलरेडी जो है वाटर प्रूफ है, इसको लगाना भी बहुत ईजी है और आँखों में बड़ी अच्छी सी एक शाइन आ जाती है और आइज बहुत अट्रैक्टिव लग रही होती है। इसके बाद अगेन काशीज का ये कैमल ब्राउन कलर मैं लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगा और इसको आपने ओवरऑल पूरी लोअर लैश लाइन पर आपने इसको लगाना है। बैक एंड फोर्थ आपने ब्रश की मूवमेंट करके इसको अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना, सिर्फ सिंपल एक ही कलर इनफ होगा। इसके बाद जो है, क्योंकि मुझे आईज के नीचे बॉटम लैशेस लोअर लैश लाइन पर लगानी है, ये आई लैशेज भी हैंडमेड आई लैशेज, और इसके बाद भी आप देख सकते हैं लगाने के बाद आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। बॉटम आई लैशेज लगाने के बाद इस मेकअप का फाइनल टचअप मुझे करना है। अगेन मैं काशीज का आई ग्लोइंग शिमर नंबर 03 इनर कॉर्नर पर दोबारा लगाऊंगा और आप देख सकते हैं कि इसको लगाते के साथ ही जो है बहुत ही अच्छी अट्रैक्शन आ चुकी है इनर कॉर्नर पर, और मेरे मोस्टली मेकअप में मैं इस आई ग्लोइंग शिमर को लगाता हूँ। इसका बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। तो फाइनली दिस एंड रिजल्ट, और ये खूबसूरत सा रिक्वेस्ट में मैंने ये मेकअप किया था, और अगर आप की कोई रिक्वेस्ट है मेकअप के हवाले से सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, हमेशा आप सबसे बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, और ये आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है, आप लोगों की हौसला अफजाई जिसकी वजह से इतनी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम मैं वीडियोस बना सकूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, लेकिन जो भी मेरी वीडियोस होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑनेस्टी के साथ आपको जो भी मेरी नॉलेज है इतने सालों की वो मैं आप लोगों को दे सकूँ, आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें जो है आप लोगों को बग़ैर घुमाए फिराए बग़ैर बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से आप लोगों को सिखा दूँ चीज़ों को। इंशाल्लाह आप